तन शीन ए विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल हो होते दंगल दूर सब तन जाओ बानो दो। गुणस्थान विवेचन अध्याय पहला समय ज्ञान चंद्रिका पीठिका प्रश्न क्रमांक 21 प्रश्न नंबर 19 द्रव्यानों की पक्षपाती का स्वरूप और निराकरण संदर्भी प्रकरण यहाँ पर अपना चल रहा है। आज समाप्ति की ओर वह प्रकरण है। अभी तक हम लोगों ने कर्णानियों को छोड़कर शेष तीन अनियोगों के जो पक्षपाती हैं वे कर्णानियों के शास्त्र का अभ्यास करने से जो मना करते हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ा। लेकिन इस पीठिका में मात्र इतने ही पक्षपाती नहीं हैं। अगर आप लोगों ने थोड़े बहुत भी आगे पेज पलटकर देखे हो तो शब्द शास्त्र आदि के भी पक्षपाती हैं, धन के भी पक्षपाती हैं, विषय भोग के भी पक्षपाती हैं। इनके भी पक्षपात का स्वरूप और फिर उसके बाद टोडमल जी का निराकरण यहाँ पर आने वाला है। कल जब द्रव्यानियों के पक्षपाती के स्वरूप और निराकरण की यहाँ चर्चा हुई तो टोडमल जी ने यह समझाया, सार में अगर अपन कहें तो टोडमल जी ने यह समझाया, सामान्य को अच्छी तरीके से जानने के लिए विशेष को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम विशेषों को जान लेते हैं फिर बाद में सामान्य को जानते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब सामने वाले की बुद्धि, जिसको यह समझाया गया कि विशेष जानना भी जरूरी है, उसकी बुद्धि कैसे विपरीत दौड़ी। विपरीत दौड़ी मतलब ये कि कल तक तो टोडामल जी ने, या कल तक तो कि आपने पास तो वैसे ही लिखा हुआ है, तो इससे पहले टोडामल जी ने हमें यह समझाया था कि विशेष को जानना जरूरी है। अब वो प्रश्नकर्ता की बुद्धि उल्टी इस ओर दौड़ती है। अब वो सारे उदाहरण खोज निकालता है जहां पर विशेष को जाने बिना भी काम चल गया। जैसे आपने कहा ना कि गौमट सार आदि के ग्रंथ के माध्यम से विशेष जानो, जीव के विशेष जानो, कर्मों के विशेष जानो। उसने सबसे पहले तीन उदाहरण दिए, कल जाते जाते मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया था, है ना। और वे तीन बातें जो उसने सामने प्रस्तुत की थी उसमें से पहली बात ये थी कि आपने तो हमसे कहा कि बहुत विशेष जानो, लेकिन आपको पता है द्रव्यलिंगी मुनिराज बहुत 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 विशेष जानते हैं लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं करते। और हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। साउंड तो वैसे ही निकलता है ना कि हम तो करना चाह रहे हैं और आप हमसे कह रहे हो कि विशेष 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 पढ़ो, विशेष को जानो। तो आपको पता है खूब विशेषों को जानने के बावजूद भी द्रव्यलिंगी मुनिराज स्वपर वेद विज्ञान नहीं करते तो कोरे के कोरे। छैडाला की पंक्ति सभी को वो याद होगी, ठीक है, तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। याद आ गई कौन सी पंक्ति? हाँ चलिए बहुत अच्छा, आपको याद आ गई, आगे बढ़िए। तो पहला तो ये कहा, दूसरा उसने जो उदाहरण पेश किया वो त्रियंचों का उदाहरण पेश किया, क्योंकि सम्यक दर्शन त्रियंचों को भी होता है, पंचम गुणस्थान त्रियंचों को भी होता है, तो उनको गुणस्थान कौन पढ़ाने जाता है? प्रश्न, उनको कर्माधिक कौन पढ़ाता है? किसी भी त्रियंच सम्यक दृष्टि को पेश करो, हम उससे पूछेंगे 14 गुणस्थान के नाम बताओ, तुम्हें सम्यक दर्शन है, देखें तो सम्यक दर्शन की डिग्री लिए घूम रहे हो, हम भी तो देखें 14 गुणस्थान के नाम तुम्हें याद है कि नहीं। चलो छोड़ो, गुणस्थान की परिभाषा बताओ, पूछेंगे तो त्रियंचों को तो बिना इसको जाने हुए भी सम्यक दर्शन होता है। जो त्रियंचों को हो सकता है फिर हमारे लिए कंडीशन अप्लाई क्यों कर रहे हो कि हमें जानना जरूरी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये कहा कि हमारे प्रथमान योग में तो एक शिवभूति नाम की मुनिराज का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। शिवभूति मुनिराज ने मात्र थोड़ा सा जाना, और वो क्या जाना कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, बस इतने ही जानने मात्र से उनकी प्रयोजन की सिद्धि हो गई और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे ज्यादातर इन सब में नहीं उलझे तो हमें भी मत उलझाओ। तीन उदाहरण सबको समझ में आ गए, किस किस के दिए? पहला किसका दिया? द्रव्यलिंगी मुनिराज का। दूसरा उदाहरण, अब मैं संस्कृत की कक्षा जैसा तो बुलवाऊंगा नहीं, है ना, तो फिर भी आप बोल दीजिए।
पहला उदाहरण किसका दिया? द्रव्यलिंगी मुनिराज का. दूसरा उदाहरण तिर्यंश का. और तीसरा उदाहरण शिवभूति मुनिराज का. इनको बिना विशेष जाने भी जब कल्याण हो सकता है, फिर हमारे क्यों को कंडीशन अप्लाई करते हो? देखो 19 नंबर का प्रश्न है. अब मैं आपसे प्रश्न पढ़ता हूं, समझ तो अपने लिए ही है. देखिए, आपने कहा वह सत्य, किंतु आप कुछ नोटिस किया? अभी तक का ये फॉर्मेट टोडा मंजे यूज करते थे कि तुमने कहा वो सत्य, तुमने जो कहा वो तो करने योग्य है. अब वास्तव में प्रश्नकर्ता भी टोडामल जी ही हैं. मैंने जो आपको पहले दिन क्लियर कर दिया था ना, प्रश्नकर्ता भी तो टोडामल जी हैं, लिखने वाले भी तो टोडामल जी हैं. शैली जो है वो कैसे छूट सकती है? उत्तर देने वाले भी टोडामल जी हैं. तो जो अब यहां पर आप ये देख सकते हैं, जो टोडामल जी उत्तर देते वक्त शैली अपनाते हैं, इधर वो प्रश्न करते वक्त वो शैली है. कौन सी है? देखिए, आपने कहा वह सत्य. क्या कहा? क्या कहा? कि विशेष को जानो, ऐसा कल कहा ना. तो देखो, किंतु करणानियोग द्वारा विशेष जानने से भी द्रव्यलिंगी मुनि अध्यात्म श्रद्धान बिना संसारी ही रहते हैं. पहला पॉइंट, ठीक है. मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप सब लोग इस पर लिखें कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है. सेकंड पॉइंट, और अध्यात्म का अनुसरण करने वाले त्रयंश आदि को अल्प ज्ञान होने पर भी यथार्थ श्रद्धान से सम्यक प्राप्त हो जाता है. समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये हुआ सेकंड पॉइंट, त्रयंश का उदाहरण दिया. अब थर्ड पॉइंट, तथा तुष्माश भिन्ना इतना ही श्रद्धान करने से शिवभूति नामक मुनि मुक्त हुए हैं. मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, निर्माण की प्राप्ति हुई है. अतः हमारी बुद्धि से तो विशेष विकल्पों का साधन नहीं होता. नहीं नहीं, तीन हो गए. प्रयोजन मात्र अध्यात्म का अभ्यास करेंगे. मतलब हमारी बुद्धि से तो ऐसा विशेष नहीं होता. देखो, आप लोगों ने सम्यक ज्ञान के तीन दोष पढ़े होंगे, न्याय दीपिका में ही पढ़े होंगे और पाठमालाओं में भी आपने पढ़े हैं. कौन? सम्यक ज्ञान के तीन दोष, लक्षण के नहीं, संशय विपर्य अनध्यवसाय. हाँ, वो भी कह सकते हैं, संशय विपर्य और अनध्यवसाय. आपको पता है थर्ड जो है ना, अनध्यवसाय, उसको क्यूरियोसिटी नहीं होती. क्यूरियोसिटी सब लोग समझते होंगे ना मेरे ख्याल से. अनिकेत, समझते हो? हाँ, एक नया शब्द मिल गया. क्यूरियोसिटी नहीं होती. क्यूरियोसिटी नहीं होती मतलब उसको जानना ही नहीं है, कोई है नहीं. उदाहरण तो सभी को पता है, सीप है कि जानी होगा. पुण्य से धर्म होता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित से धर्म होता है. अरे क्या करना इन सब में उलझ के, जो होगा तो देखा जाएगा. क्या करना अपन को, ये जो होता है ना अनध्यवसाय, इसी प्रकार का अनध्यवसाय कुछ इसके भी है. क्या करेंगे विशेषों को जान के, हम तो बस इतने से ही. तो तुम इसी से ही काम चलाना चाहते हो. देखो, अटपटा कैसा है, तुम्हें ये विशेष में उलझना उलझना लग रहा है और बाकी अन्य जगह कितनी बुद्धि लगाते हो. अगर देखो, इसने कहा कि हमें विकल्पों में विशेष विकल्पों का साधन नहीं होता, तो तुम्हें सिर्फ यही नहीं होता कि कहीं भी नहीं होता. ये प्रश्न में लिखा है, आप लोगों देखा कहां लिखा है प्रश्न में? ये देखो, ये लिखा, अतः हमारी बुद्धि से तो विशेष विकल्पों का साधन, हमारी बुद्धि से विशेष विकल्पों का साधन नहीं होता. तो इस पे अपन एक क्वेश्चन मार्क तो पुट अप कर सकते हैं ना, कि तुम्हें सिर्फ यही नहीं होता कि कहीं भी नहीं होता. अन्यत्र तो तुम्हारी बुद्धि बहुत दौड़ती है, अन्यत्र तो सब विशेष जानना चाहते हो. तो देखो टोडामल जी इसका क्या उत्तर देते हैं. पहला है, इसने द्रव्यलिंगी मुनिराज का कहा ना कि द्रव्यलिंगी मुनिराज तो बहुत जान लेते हैं लेकिन अध्यात्म का नहीं जानते, तो सब कूड़ा कूड़ा है ना. तो देखो उसके उत्तर में टोडामल जी क्या कहते हैं. मैं आपको पहले उत्तर समझा देता हूं, फिर मैं जल्दी से पढ़ जाऊंगा. टोडामल जी ने यह कहा कि तुमने जो द्रव्यलिंगी मुनिराज का उदाहरण पेश किया, किसके लिए पेश किया? कि वो जान तो बहुत लेता है लेकिन अध्यात्म के श्रद्धा नहीं करता, इसीलिए हमें नहीं जानना करणानियोग. तो टोडामल जी कहते हैं, जिस प्रकार से, ध्यान से सुनना, ये उत्तर है, एक एक सेंटेंस में उत्तर. जिस प्रकार से तुमने कहा कि द्रव्यलिंगी मुनिराज
करणान्योग आदि को जान लेते हैं, उसी प्रकार से द्रव्यलिंगी मुनिराज अध्यात्म को भी जानते हैं। क्या कहा, इसका पॉइंट समझ। देखो अभी आप लोग में से शायद कोई समझता होगा कि द्रव्यलिंगी मुनिराज मात्र और मात्र प्रथमान्योग जानते होंगे, करणान्योग जानते होंगे, चरणान्योग जानते होंगे, और द्रव्यान्योग से समय सार आदि तो पढ़े ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। जिन द्रव्यलिंगी मुनिराज के बारे में हम सुनते पढ़ते हैं, उन द्रव्यलिंगी मुनिराज को अध्यात्म का भी बराबर ज्ञान होता है। तो तुमने कहा ना कि वो जान तो बहुत लेता है, तो भैया जान तो वो अध्यात्म को भी लेता है लेकिन श्रद्धान नहीं करता। और तुम्हारे दिमाग में ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया ना, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि सामने वाले के दिमाग में और कदाचित आप लोगों के भी दिमाग में ये होगा कि करणान्योग और द्रव्यान्योग आपस में विरोधी हैं। मतलब करणान्योग में कुछ कहा जाता है, द्रव्यान्योग में कुछ कहा जाता है। देखो करणान्योग और द्रव्यान्योग विरोधी नहीं है। हो सकता है कि करणान्योग के ज्ञाता और द्रव्यान्योग के ज्ञाता विरोधी हो, और वे भी ज्ञाता नहीं कहलाएंगे। टोडामल जी की भाषा में करणान्योग के पक्षपाती और द्रव्यान्योग के पक्षपाती कहलाएंगे। तो पक्षपातियों में तो आपस में विरोध हो सकता है लेकिन करणान्योग और द्रव्यान्योग में कोई विरोध नहीं है। यहां हेतु भी बताएंगे कि क्यों विरोध नहीं है, ठीक है। यह है सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट भी बताया, फिर एक एक चीजें बताई कि द्रव्यलिंगी मुनिराज ये गलत मानते हैं, ये गलत मानते हैं, ये गलत मानते हैं, इस प्रकार से यहां उत्तर दिया है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको थोड़ा परिचय दिया, अब पढ़ते हैं उत्तर। उत्तर लास्ट लाइन है, द्रव्यलिंगी जिस प्रकार करणान्योग द्वारा विशेष को जानता है, उसी प्रकार अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान भी उसको होता है, किंतु मिथ्यात्व के उदय से अयथार्थ साधन करता है, तो शास्त्र क्या करें। देखो द्रव्यलिंगी मुनिराज का जो उदाहरण दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने प्रयोजनभूत बातें नहीं जानी और खूब सब कुछ कर लिया। लेकिन देखो तो उदाहरण दिया किस लिए जाता है और हम समझ किस लिए जाते हैं। जैसे मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। ये पंक्ति इतनी हमारे दिमाग में ऐसा गलत इंपैक्ट पड़ा है कि हमें मुनि बनने से ही, वो कहते ना मतलब उसी से ही हमें परहेज है, मुनिराज बनने से ही भाव से, उस भाव से भी परहेज है हमें। नहीं 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 मुनिव्रत धार, इस पंक्ति का हमारे दिमाग में कितना। जैसे भी थोड़े दिनों के पहले प्रवचन में दादा के आ रहा था ना कि ये चित्रों को देख देख कर जो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहे हैं, ऐसे चित्रों को देख देख कर दिमाग में हमारा ये इम्पैक्ट बढ़ जाता है, वो हमें नहीं बनना, ऐसे ऐसे कष्ट झेलने पड़ेंगे, ये रखा जाएगा, वो रखा जाएगा, कोई मरा हुआ ये डाल जाएगा, कोई हमें ओले बरसाएगा और ये सब। तो कैसा नेगेटिविटी, इसको देखो धर्म में भी आप लगाओ, पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, इन उदाहरणों को सुन सुन के पढ़ पढ़ के कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे पड़ा। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, देखो द्रव्यलिंगी मुनिराज जो मुनिव्रत धार अनंत बार, ये उदाहरण तो इसलिए दिया गया था कि आत्मज्ञान के बिना, तो इससे महिमा किसकी बताई गई थी, आत्मज्ञान करो या आत्मज्ञान पूर्वक मुनिराज बनो। लेकिन इससे हमने क्या निकाला कि मुनिराज ही नहीं बनो, और क्या निकाला कि बहुत जान लो, बहुत जान लो, इससे परहेज करो, बहुत नहीं जानना हमें, हमें तो कम ही जानना है। कई लोगों में आपको देखने को मिल जाएंगे हमें ज्यादा नहीं जानना, तो सिर्फ धर्म के बारे में भी ज्यादा नहीं जानना चाहते, और सबके बारे में तो बहुत जानना चाहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, लेटेस्ट माल क्या आ रहा है, मतलब हर जो दुकानदार होगा तो उसमें क्या आ रहा है, हर चीज तो लेटेस्ट लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट मतलब क्या होता है, विशेष। तो सांसारिक कार्यों में तो विशेष खूब बुद्धि चलती है, और धर्म में हमें ज्यादा विकल्प नहीं करने। तो नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव इंपैक्ट कैसे पड़ा इस बात का वो समझ में आया। मुनिराज जो है, द्रव्यलिंगी मुनिराज जो है, इनका जो उदाहरण हमारे आगम में दिया गया है वो इसलिए नहीं दिया गया कि आप मुनिराज ही नहीं बनो या आप विशेष पढ़ो ही मत, ये इसलिए दिया गया है कि जितना भी पढ़ो बुद्धि अनुसार पढ़ो लेकिन अपने प्रयोजन को साधो, ये इसलिए उदाहरण दिया गया था। देखो टोडामल जी क्या कह रहे हैं, तुमने जो द्रव्यलिंगी मुनिराज का उदाहरण दिया ना, वे द्रव्यलिंगी मुनिराज जिस प्रकार करणान्योग को जानते हैं उसी प्रकार वो बराबर अध्यात्म को भी जानते हैं।
और अध्यात्म पर भी वैसे प्रवचन भी करते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, द्रव्यलिंगी जिस प्रकार कर्णानियों द्वारा विशेष को जानता है उसी प्रकार अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान भी उसको होता है, किंतु मिथ्यात्व के उदय से अयथार्थ साधन करता है तो शास्त्र क्या करें। अब देखो आगे, शास्त्रों में तो सेकंड पॉइंट, शास्त्रों में तो परस्पर विरोध है नहीं। शास्त्रों मतलब यहां कौन कौन से शास्त्र लिए गए हैं, पद्म पुराण और हरिवंश पुराण, इन्हीं की तो चर्चा चल रही है ना अभी। अरे सॉरी, समय सार और योग सार, नहीं नहीं योग सार और परमात्म प्रकाश, किन के बारे में कौन से शास्त्र लिए जा रहे हैं यहां, कर्णानियों के शास्त्र और द्रव्यानियों के शास्त्र, उनकी बात चल रही है। मतलब यहां ये कह रहे हैं कि गौमट सार और समय सार में कोई विरोध नहीं है। देखो फिर से, शास्त्रों में तो परस्पर विरोध है नहीं, कैसे उसे कहते हैं। देखो अब क्या कहते हैं, मैं आपको समझा देता हूं, फिर बाद में पढ़ेंगे तो ज्यादा सहूलियत होगी। द्रव्यानियों से पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसका परिचय हमें अधिक है। द्रव्यानियोग में आत्मा को रागादिक से भिन्न बताया गया है और रागादिक कर्म के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं ऐसा बताया गया है। ठीक है, आश्रव भाव जो है वे कर्म के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, ये द्रव्यानियों का कथन है ना, कि इसका मतलब रागादिक भाव जो होते हैं वो कर्म के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, ये तो है द्रव्यानियों का कथन। लेकिन कर्णानियोग में भी यही कथन मिलता है, कर्णानियोग में भी यही कहा जाता है कि मोह राग द्वेष भाव जो है वो कर्मोपाधि है, कर्म की उपाधि से होते हैं। इसको और समझ लीजिए, देखो मैंने कल आपको समय सार की 68 गाथा का रेफरेंस दिया था, है ना, मैंने पढ़ा नहीं था, गाथा भी नहीं बोली थी, गाथा का अर्थ अब मैं अभी समझा देता हूँ। देखो समय सार की 68 नंबर की गाथा में ये कहा है कि जो ये गुणस्थान है ये किसके निमित्त से उत्पन्न होते हैं, मोह कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले ये गुणस्थान है, इसीलिए ये जीव नहीं हो सकते, समय सार की गाथा है ना। अब गौमट सार भी यही कहता है मोह और योग के निमित्त से, गौमट सार भी क्या कहता है, मोह और योग के निमित्त से होते हैं, यही तो कह रहा है। तो कहां विरोध है बताओ, कुछ समझ में आ रहा है क्या कहा यहां पे? यहां टोडामल जी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में होता है, हो सकता है कि शायद तुम्हें ऐसा लगता हो कि कर्णानियोग में और द्रव्यानियोग में आपस में विरोध है, लेकिन विरोध नहीं हो सकता। जैसा कथन कर्णानियोग में आता है उसी प्रकार के द्रव्यानियोग में भी आता है, या द्रव्यानियोग में जैसा आता है वैसा ही कर्णानियोग में आता है। देखो आप टोडामल जी क्या समझाते हैं, शास्त्रों में तो परस्पर विरोध है नहीं, कैसे उसे कहते हैं, कर्णानियोग के शास्त्रों में तथा अध्यात्म शास्त्रों में भी रागादिक भाव आत्मा के कर्म निमित्त से उत्पन्न कहे हैं। कर्णानियोग भी कहता है कि कर्म के द्वारा होते हैं और अध्यात्म में भी कहा है कि कर्म उपाधि है, कर्म की उपाधि से है। आगे, अब द्रव्यलिंगी उनका स्वयं कर्ता होकर प्रवर्तता है, तुमने द्रव्यलिंगी का उदाहरण दिया था ना। अब देखो कर्णानियोग भी कह रहा है कि वो कर्म के निमित्त से हो रहे हैं रागादिक भाव, अध्यात्म भी कह रहा है कि कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब अगर कोई जीव दोनों को पढ़ने के बावजूद भी स्वयं अपने आप को कर्ता माने तो इसमें शास्त्र क्या करें। देखो क्या कहते हैं, द्रव्यलिंगी उनका स्वयं कर्ता होकर प्रवर्तता है। सम्मित किसकी बात कह रहे हैं, किसका कर्ता होकर प्रवर्तता है, उन कर्मादिक का, उन रागादिक भावों का, जिसका कर्ता जो स्वयं को मानता है। देखो, और शरीर आश्रित सर्व शुभाशुभ क्रिया पुद्गलमयी कही है, मतलब किसमें कही गई है, कर्णानियों के शास्त्रों में भी कही गई है और अध्यात्म में भी कही गई है, किंतु द्रव्यलिंगी उसे अपनी जानकर उसमें ग्रहण त्याग की बुद्धि करता है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, सर्व ही शुभाशुभ भाव आश्रव बंद के कारण कहे हैं, कर्णानियोग में भी कहे हैं कि देखो कर्णानियोग में भी तो ये कहा जाता है ना कि अगर आप ऐसे भाव करोगे तो ऐसा बंद होगा, ऐसे भाव करोगे तो ऐसा बंद होगा, ये कर्णानियोग का कथन है। अगर आप दान आदि के भाव करते हो, तत्वार सूत्र अगर आपने पढ़ा हो, तो आप पर की निंदा करते हो, स्वयं की प्रशंसा करते हो, तो ऐसा भाव करते हो तो नीच गोत्र का बंध का कारण है। तो
कर्णानुयोग में भी तो ये कहा गया है ना कि ये भाव बंध का कारण है, और अध्यात्मी कहता है कि रागादिक भाव बंध के कारण है, तो कहां विरोध है बताओ? देखो फिर से पढ़ते हैं, सर्व ही शुभाशुभ भाव आश्रव बंध के कारण कहे हैं। किधर कहे हैं? कर्णानुयोग में भी कहे हैं और अध्यात्म में भी कहे हैं, किंतु द्रव्यलिंगी शुभ भावों को संवर, निजरा और मोक्ष का कारण मानता है। अब ये मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप तत्वज्ञान पाठमाला भाग एक में सात तत्व संबंधी भूल वाला पाठ पढ़ चुके हो, और जिसको अभी कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा हो तो एक बार वो वाला पाठ दोबारा से पढ़ लेना, वो पाठ मैं अभी यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। उसमें संवर तत्व संबंधी भूल, निजरा तत्व संबंधी भूल में ये बहुत डिटेल में दिया गया है। देखिए वापस आ जाइए, किंतु द्रव्यलिंगी शुभ भावों को संवर, निजरा और मोक्ष का कारण मानता है। भक्ति मुक्ति दातार है, भक्ति से ही निर्वाण हो जाएगा, आप तो भगवान की भक्ति करो, है ना, इन्हीं से ही व्रत समिति गुप्ति, इन्हीं से ही निजरा हो जाएगी, इस प्रकार का भाव है। लेकिन शुद्ध भाव को संवर, निजरा और मोक्ष का कारण कहा है, किंतु द्रव्यलिंगी उसे पहचानता ही नहीं और शुद्धात्म स्वरूप को मोक्ष कहा है, उसका द्रव्यलिंगी को यथार्थ ज्ञान ही नहीं है। अब अंत में टोडामल जी एक बात कहकर समाप्त कर देते हैं इस प्रकरण को, इस प्रकार अन्यथा साधन करे तो उसमें शास्त्रों का क्या दोष है। ये लाइन अंडरलाइन करने वाली बात है, आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। संक्षेप में टोडामल जी ने बस इतना कहा, तुम शास्त्रों को पढ़ पढ़कर भी अगर अज्ञानी रह जाते हो तो उसमें शास्त्रों का क्या दोष है। तुम कर्णानियों को पढ़कर और द्रव्यानियों को पढ़कर आपस में लड़े मिटे जा रहे हो तो इसमें शास्त्रों का क्या दोष है? शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा कि तुम लड़ो, कुछ समझ रहे हो? नहीं नहीं साहब, आप लोगों ने वो पढ़ा है ना शास्त्र के अर्थ समझने की पद्धति वाला पाठ। नहीं नहीं साहब, द्रव्यानियों को तो नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि द्रव्यानियों को पढ़कर स्वच्छंदी हो जाते हैं, ये हो गए थे वो हो गए थे। कुछ याद है डोडोमल जी ने किसका उदाहरण दिया है वहां? डंकी, खच्चर, खच्चर जानते, गधा। अगर गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन मिश्री खाना नहीं छोड़ते। देखो अध्यात्म के शास्त्रों में तो नहीं लिखा कि तुम स्वच्छंद दो, क्या समय सार में ये कहीं लिखा है? जगह जगह पे तो सावधान किया है कि देखो तुम इसका मतलब ये नहीं निकालना। व्यवहार भी प्रयोजन मान है, ये जगह जगह पे आता है। भस्म को मसल देने वाला प्रकरण भी बार बार आता है। प्रतिक्रमण विष्कुंभ कहा है तो उसको अप्रतिक्रमण, ये सब कुछ तो जगह जगह तो वहां पे आचार्यों ने संभालने की भी कोशिश की है कि कहीं तुम स्वच्छंद ना हो जाओ, और फिर भी पढ़कर अगर कोई स्वच्छंद हो जाए तो क्या करें बताओ? नहीं नहीं साहब, बंद ही कर दो। टोडामल जी से ये प्रश्न किया है कि द्रव्यानि पढ़ना ही बंद कर दो जब लोग स्वच्छंद हो जाते हैं तो। आप ऐसा बोलो ही नहीं कि आत्मा खा नहीं सकता, फिर लोग रात में खाते हैं तो क्या करें बताओ? इससे अच्छा आप ये बंद ही कर दो ये बात कहना। टोडामल जी ने वहां उदाहरण दिया, उदाहरण तो नहीं दिया, सिद्धांत समझाया। वहां ये कहा कि भैया अब स्वच्छंद जो होते हैं वे तो स्वच्छंद होते हैं, उनके बारे में तो हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर हम ये बात कहना छोड़ दें तो मोक्ष मार्ग बाधित होता है, क्योंकि वास्तविक हित तो इसी में ही है। ये सब कुछ प्रकरण है, आप आठवें अधिकार को पढ़ेंगे जब तो आपको सब कुछ ये ख्याल में आएगा। टोडामल जी ने वहां सिर्फ इतना उत्तर दिया कि भैया मूल हित तो जीव का इसी में ही है, तुम कह रहे हो कि उसकी हित की बात ही ना करो। कदाचित कोई एक दो व्यक्ति स्वच्छंद हो सकता है या हो जाता है, उनको देखकर हम क्या जिसमें जीव बहुत से, देखो टोडामल जी ने कहा कि स्वच्छंद होने वाले जीव कम है लेकिन हित करने वाले जीव अधिक हैं। तो जहां बहुत से सारे जीवों का हित होता हो वो बात कहने से हम नहीं रोकेंगे, और हम तो कदम कदम पे सावधान भी करेंगे, समय सार में भी कदम कदम पे सावधान किया गया है। टोडामल जी ने कहा है अब शास्त्रों को पढ़कर भी अब अन्यथा श्रद्धान करे या अन्यथा साधन करे या उसकी बुद्धि ही विपरीत दिशा में जाए तो बेचारे शास्त्रों का क्या दोष है? उसकी बुद्धि का दोष है। देखो आगे पहला पॉइंट हो गया, किसके बारे में कहा था? जो द्रव्यलिंगी मुनिराज के बारे में कहा था। अब इसका उत्तर समझ में आ गया ना कि क्या कहा? दो पॉइंट कहे बस टोडामल जी ने। पहला पॉइंट तो ये कहा कि तुमने कहा ना कि अध्यात्म का अभ्यास करो तो द्रव्यलिंगी को उसका भी अभ्यास होता है लेकिन श्रद्धा नहीं होता, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कहा कि भैया कर्णानुयोग में भी वही कहा है और द्रव्यानुयोग में भी वही कहा है, अब कोई पढ़ पढ़ के भी अन्यथा श्रद्धान करे तो हम क्या करें?
संक्षेप में इतना, फिर वो बताया कि कैसे कैसे करता है। अब आगे दूसरा उदाहरण किसका दिया था, उदाहरण कहें या तर्क कहें, किसके संदर्भ में कहा, त्रियंश के। यहां पर जो शेर को, इस चित्र में जो शेर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी, तो फिर आचार्य ने बाद में गुणस्थान पढ़ाए होंगे आके, और क्लास का समय नक्की किया होगा कि हे शेर जंगल में जितना घूमना घूमना, 5 बजे यहां आ जाना, अपन क्लास लेंगे। क्यों? क्योंकि हम, मुझे तुम्हें सम्यक दर्शन कराना है, और विशेष को जाने बिना, कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? त्रियंशों को भी सम्यक दर्शन होता है, तो उनको कैसे हो जाता है? तो उसके लिए देखो टोडामल जी क्या कहते हैं। टोडामल जी जो कहते हैं वो तो बहुत उत्तम है, लेकिन मैं एक युगल जी का वाक्य भी इसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ। जब युगल जी से इस प्रकार का प्रश्न किया गया, तो एक बार उनकी प्रवचन में ऐसा आया था कि तुम्हें सारी व्यवस्थाएं तो मनुष्यों वाली चाहिए और सम्यक दर्शन त्रियंशों वाला चाहिए। कुछ समझ में आया क्या कहा? फिर से रिपीट करता हूं, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा। सारी व्यवस्थाएं कैसी चाहिए? मनुष्यों वाली चाहिए। बेडरूम ऐसा होना चाहिए, है ना? अब एक एक महल होना चाहिए, उसमें ऐसा बाथरूम, इतने करोड़ का बाथरूम, उसमें बाथरूम ऐसा हो, पहनने का ऐसा हो, ओढ़ने का ऐसा हो, मोबाइल ये हो, है ना, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े हो, मतलब ये समझ लो ये व्यवस्थाएं कैसी हैं, सारी मनुष्यों वाली है ना। तो तुम्हें ये सारी व्यवस्थाएं चाहिए मनुष्यों वाली, और सम्यक दर्शन चाहिए त्रियंशों वाला। तो इसके दो उपाय हैं, या तो तुम इन सारी व्यवस्थाओं को पहले त्याग करो, त्रियंशों की व्यवस्था, नग्न होते हैं सबसे पहले, कपड़े उतारो, फिर वित्रियक होते हैं, तभी तो त्रियंश कहलाते हैं, तुम सीधे हो, कुछ समझ में आ रहा है? चलो फिर हम तुम पे ला देंगे, बार वहन है मातब त्रास, बदबंधन आदिक दुख घने, कुछ समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो देखो, सारी व्यवस्थाएं जब हमें मनुष्यों वाली चाहिए, तो सम्यक दर्शन फिर त्रियंशों वाला, इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है। क्या कहते हैं? अब देखो टोडामल जी क्या कहते हैं, तूने कहा, सेकंड पॉइंट आप लोग डाल लेना क्योंकि ये सेकंड पॉइंट का उत्तर है, तूने कहा कि त्रियंश आदि को सामान्य श्रद्धान से कार्य सिद्धि हो जाती है। तो इसमें दो बातें हैं, दो बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात तो ये है कि वे अपनी बुद्धि से विशेष ही जानते हैं। एक बात तो आपको भी समझना चाहिए, जितना विवेक मनुष्यों में होता है उतना विवेक त्रियंशों में नहीं होता। त्रियंशों में यद्यपि वे भी संगी पंचेंद्री होते हैं, संगी पंचेंद्री त्रियंशों में भी मनुष्यों के समान विवेक नहीं होता। आप लोग अभी नीति शतक पढ़ेंगे ना, तो उसमें तो भर्तृहरि ने लिखा है कि साहित्य संगीत और कला से जो वीन है वो साक्षात पशु के समान है, पुच्छ विषाण ही ना, पूछ नहीं है बस, और बहुत सारी बातें उसमें कही है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, वो तो मनुष्य के रूप में जानवर है जो चर रहा है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं। तो यहाँ पर भी देखो ऐसी बराबर लगाना। एक बात आप लोग समझिए, जितना विवेक मनुष्यों में होता है उतना विवेक त्रियंशों में नहीं होता। इसको मैं चेंज करूं तो ऐसे भी कह सकता हूं कि जितनी बुद्धि मनुष्यों में होती है उतनी बुद्धि त्रियंशों में नहीं होती। पहला, जब दोनों की बुद्धि डिफरेंट है तो फिर हम कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं? कुछ समझ, देखो कंपेरिजन हमेशा समान वालों का होता है, समान बुद्धि वालों का होता है, या समान लेवल वालों का होता है, एक साथ जिनका लेवल हो तब उनको खड़ा किया जाता है। क्या मनुष्यों त्रियंशों का लेवल एक है बुद्धि के हिसाब से? तो तुम कैसे फिर उनकी समानता कर रहे हो? और समानता करनी है तो फिर पूरी समानता करो। वे, ये तो है पहला बात। इसी में ही दूसरी बात यह है कि तुम, यद्यपि त्रियंशों में मनुष्यों के समान विशेष बुद्धि नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि से वे विशेष ही जानते हैं। कुछ अंतर समझ में आया क्या हो गया? देखो हम सब लोगों की भी बुद्धि एक जैसी नहीं है ना, हम सब लोगों की बुद्धि भी एक जैसी नहीं है, लेकिन जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, आज उसको एक दो बातें समझ में आ गई तो भी उसको विशेष समझ में आया। कोई कह, आप कह रहे हो इसको विशेष समझ में आया, दो बातें समझ में आई और आप कह रहे हो विशेष समझ में आ गया, हमें पूरी बातें समझ में आई,
नहीं नहीं ये कंपैरिजन नहीं बैठेगा, तुम्हें तो रोज पूरी बातें समझ में आती थी, कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ऐसे ही तिर्यंश को भी जो श्रद्धान होता है, जो ज्ञान होता है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार विशेष ही होता है। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा कि तिर्यंचों को भी पूर्व भव के संस्कार होते हैं, उनको भी जाति स्मरण आदि होता है, उसके माध्यम से देखो अगर वे उसको भाषा में नहीं कह पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है। आप पूछो चलो गुरुस्थान के नाम सुनाओ, खड़े हो जाओ, आप इस शेर के पास जाओ, देखो आगम में तो लिखा है कि सम्यक दर्शन हो गया, मतलब सील ठोंक के दे दी कि सम्यक दर्शन हो गया। अब अपन टाइम मशीन से पास्ट में जाएं, ये तो सब काल्पनिक बातें हैं, अपन पास्ट में जाएं और शेर से कहें हाँ इधर आओ, दूर रहना दूर, मतलब खा वगैरह जाए, हाँ दूर रहो, पहले ये बताओ कि गुड़स्तान के नाम याद है कि नहीं, क्या बोलेगा? आपको आपको क्या लगता है कि वो गुड़स्तान के नाम सुनाने लग जाएगा? ये गुमो और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था, ऐसा नहीं है। वे उसको भाषा रूप में नहीं कह पाए, इट डजंट मीन कि उनको ज्ञान नहीं है। जैसे आप में से भी तो कई बार होता है ना कि भाई साहब हमें समझ में तो आ गया लेकिन हम कह नहीं पा रहे, हम हमें ज्ञान में तो आ रहा है लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कह पा रहे, उनमें उस प्रकार की भाषा का व्यवहार नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन वे भी अपनी बुद्धि से विशेष जानते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। देखो टोडामल जी क्या कहते हैं, दोनों बातें जो मैंने भी आपको समझाई वे ही दोनों बातें यहां लिखी हैं। तूने कहा कि तिर्यंच आदि को सामान्य श्रद्धान से कार्य सिद्धि हो जाती है, पहला पॉइंट, तिर्यंच आदि को भी अपने क्षयोपशम के अनुसार विशेष जानना होता ही है, देखो होता ही है, हो जाता है ये नहीं लिखा, इट मीन सभी के साथ ये लागू होगा चाहे वो कहीं के भी हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहा कि अथवा पूर्व पर्याय में या पूर्व भव में विशेष का अभ्यास किया था, उसी संस्कार के बल से विशेष का जानना सिद्ध होता है। पूर्व भव के संस्कार हो सकते हैं, जाति स्मरण हो सकता है, याद आ सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट कि वो शिवभूति मुनिराज, तिर्यंच को तो हटाओ, मनुष्य को खड़ा करो, और मनुष्य में भी शिवभूति मुनिराज जो बहुत फेमस हैं उनके बारे में, उनको तो हो गया था हाल, और सिर्फ मात्र किसके माध्यम से, तुष्माश भिन्न, तुष अलग है और उसका मतलब दाल अलग है और उसकी छिलका अलग है, बस इतने से श्रद्धान करने से उनको श्रद्धान हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया, उनको निर्वाण हो गया, हमें भी दिलवा दो। देखो उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उदाहरण तो सचमुच बहुत अच्छा है, मुझे तो सचमुच बहुत अच्छा लगा, क्या उदाहरण है देखो, अगर किसी को, टोडोमल जी कहते हैं, अगर किसी के घर में खुदाई में अगर धन निकलता है तो ऐसा देखकर तुम अपनी दुकानें बंद मत कर देना, मतलब देखो अरे उसके घर में गड़ा हुआ धन निकला, इतना सारा धन निकल गया है, दुकान उकान बंद, अब वो अपने घर में खोदा खोद लगा। देखो क्या कहते हैं टोडामल जी, जिस प्रकार किसी ने कहीं पर गड़ा हुआ धन पाया, किसी ने पाया, हर किसी को थोड़ी ना मिलता है, देखो क्या कह रहे हैं, इसको मैं आपको पहले समझा देता हूं तो मेरे को ज्यादा सही रहेगा। अगर पैसा चाहिए, लौकिक बातें कर रहा हूं अभी, धर्म के अपेक्षा से बात नहीं कर रहा हूं, अगर पैसा चाहिए तो उसका उपाय क्या है, काम करो, मेहनत करो, बिजनेस करो, आपकी भाषा में कहे चाहे वो किसी भी रूप में हो, तभी उससे तो पैसा आएगा ना, कोई ये थोड़ी ना कहता है कि पैसा चाहिए हो तो अपने घर के गड्ढा खोदो, हो सकता है मिल जाए, कभी आपने सुना, और कहेगा तो आप मानते हो। दुनिया में राजमार्ग तो यही है कि अगर किसी को भी पैसा चाहिए होता है तो उसके लिए वो मेहनत करे, पढ़े लिखे, नौकरी करे। अब किसी को कहीं पर लॉटरी में अगर धन मिल जाए या गड़ा हुआ धन मिल जाए तो इससे हमें भी मिल जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई बेकार। देखो क्या कह रहे हैं टोडामल जी, जिस प्रकार किसी ने कहीं पर गड़ा हुआ धन पाया तो हम भी उसी प्रकार पावेंगे, मतलब ये कोई व्याप्ति थोड़ी ना बैठती है कि उसे मिला तो हमें भी मिलेगा, उसके घर में निकला तो हमारे घर में भी निकलेगा। जिस प्रकार किसी ने कहीं पर गड़ा हुआ धन पाया तो हम भी उसी प्रकार पावेंगे, ऐसा मानकर सभी को व्यापार आदि का
त्याग करना योग्य नहीं है। जैसे किसी ने बहुत कम पढ़ाई की, किसी ने सपोज आप एग्जाम में उस वक्त देख रहे हैं कि उसने बहुत कम पढ़ाई की और फिर भी उसके नंबर अच्छे आ गए। अच्छा, बिना पढ़ाई के इतने ज्यादा नंबर आ गए, इसका मतलब हम भी नहीं पढ़ेंगे और कुछ समझ में आ रहा है? देखो, अच्छे नंबर लाना हो तो उसका राजमार्ग ये है कि पढ़ाई करो। नहीं नहीं साहब, उनने बहुत कम पढ़ाई कर पाई थी। या आप कोई मूवी वूवी में देखते होंगे, क्योंकि हीरो तो उन सब चीजों में बिजी है, एंड टाइम पे उसने पेपर दिए और फर्स्ट आ गया। तो आप सोचते हो कि यार ये सही है, आराम से मस्ती भी करो, ये भी करो, वो भी करो, एंड टाइम में कहीं बिजी भी रहो और लास्ट में पेपर दे आओ। तो देखो, किसी को हुआ ऐसा, हमें भी होगा, ये राजमार्ग नहीं है। टोडामल जी भी कह रहे हैं शिवभूति मुनिराज को अगर हुआ तो हमें भी हो जाएगा, ये राजमार्ग नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार किसी ने कहीं पर गड़ा हुआ धन पाया तो हम भी उसी प्रकार पाएंगे, ऐसा मानकर सभी को व्यापार आदि का त्याग करना योग नहीं। उसी प्रकार किसी को अल्प श्रद्धान द्वारा ही कार्य सिद्धि हुई है, और वो कौन है? वो शिवभूति मुनिराज। तो हम भी इसी प्रकार ही कार्य सिद्धि करेंगे, ऐसा मानकर सभी ही को विशेष अभ्यास का त्याग करना उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, आपके पास शिवभूति मुनिराज जैसे और कितने उदाहरण हैं? बोलिए। तो बस एक उदाहरण से जिंदगी काटना चाहते हो? सिर्फ एक ही तो है हमारे पास, जिन और मैं तो कह रहा हूं चार पांच और हो सकते हैं, चार पांच, मैं कहूं दस भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुमत उनका होगा जिन्होंने विशेष का अभ्यास करके निर्वाण की प्राप्ति की। कुछ समझ रहे क्या कह रहे हैं? हमारे पास तो लगभग सिर्फ एक ही उदाहरण है, वो भी शिवभूति मुनिराज का, और उसी को ही ज्यादा घसीट पट्टी के बाद जैसे तैसे वो पेश करके उसी से ही काम चला गया, और उसी से ही काम चलाना चाहते हैं। तो कितने उदाहरण है हमारे पास, इसका मतलब कितने मुनिराज ऐसे हैं जिन्होंने विशेष का अभ्यास किया या विशेष का साधन किया और उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, और उनके कंपैरिजन में सिर्फ हमारे पास एक उदाहरण ऐसा है जिन्होंने अल्प का ज्ञान किया या विशेष की सिद्धि नहीं की और उनको निर्वाण हो गया। कुछ कह रहे हैं? देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, तो ऐसा करना उचित नहीं है कि उन्हें हो गया तो हमें भी होगा। देखो होता क्या है, आप सभी की बुद्धि भी तो सबकी अलग अलग है ना, किसी को एक बार में याद हो गया पढ़ के ही, सबकी बुद्धि अलग अलग है ना, ये तो सभी समझते हैं। मुझे एक बार पढ़ के याद हो गया ऐसा सोचकर कि हम भी एग्जाम में एक बार पढ़ लेंगे और हमें याद हो जाएगा, ये सोचना उचित नहीं है। ये तो उदाहरण तो समझ में आ रहा है, ये वाला तो उदाहरण समझ में आ रहा है ना, सबकी बुद्धि अलग अलग है। हो सकता है कि मुझे पद्य में बहुत समय लगता हो और गद्य मुझे तुरंत याद हो जाता हो, हो सकता है आपको पद्य तुरंत याद हो जाता हो, गद्य में समय लगता हो, अंतर है ना। हो सकता है कि आपको कोई चीज दो बार पढ़ने पर याद होती हो, पांच बार पढ़ने पर याद होती हो, हो सकता है किसी को 15 बार पढ़ने पर याद होती हो। तो कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो किसी का, इसको हो गया तो हमें भी हो जाएगा, ऐसा कंपैरिजन उचित नहीं है। देखो आगे क्या कहते हैं, क्यों नहीं है उचित, क्योंकि यह राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग मतलब कहां पे ये वाला मार्ग, आप लोग ढूंढना थोड़ा, वो एटलस है ना वैसे गोल गोल घूमने वाला, या गूगल मैप पर सर्च करना कहाँ है ये राजमार्ग, कौन सा है ये राजमार्ग। ये राजमार्ग मतलब वास्तविक मोक्ष का मार्ग जो है उसकी ये रीत, उसका ये उपाय नहीं है। देखो क्या कहते हैं, ऐसा मानकर सभी को विशेष का अभ्यास का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि यह राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो यही है कि नाना प्रकार के विशेष भेद जानकर तत्वों का निर्णय होते ही कार्य सिद्धि होती है। राजमार्ग तो यही है कि पढ़ो तो नंबर आएंगे, राजमार्ग तो यही है कि व्यापार आदि करो तो धन होगा। और पूरी आप देखो दुनिया क्या करती है, पैसे के लिए व्यापारी तो करती है, ज्यादा नंबर लाने के लिए क्या करते हैं विद्यार्थी, हैंस प्रूव्ड। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, तुमने कहा ना कि साहब हमारी ज्यादा बुद्धि नहीं लगती, प्लीज छोड़ दो हमें, रिहा करो, उसके बारे में क्या कह रहे हैं, तूने जो कहा कि मेरी बुद्धि से विकल्प साधन नहीं होता, तो जितना हो सके उतना अभ्यास कर, कोई खींचा ताने की जरूरत नहीं है।
कोई बात नहीं हो तो हो सकता है सबकी बुद्धि अलग अलग हो सकता है कि किसी को बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बात समझ में आती हो, किसी को नहीं आती हो। तो भैया आपकी जितनी बुद्धि हो उतना अभ्यास करो। कुछ याद है टोडामल जी ने पहले भी कुछ ऐसा कहा था, हाँ जितना हो सके उतना करो और अपने उपाय में आलस से मत करो। तो यहाँ पर भी टोडामल जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ज्यादा समझ में नहीं आता हो या ऊपर से जाता हो तो जितना समझ में आए उतना समझो। रुको अभी और सुन लेना आगे क्या कह रहे हैं। तू पाप कार्य में तो प्रवीण है, अब इसका पूरा कच्चा चिट्टा, तेरी बुद्धि और मोबाइल में तो बहुत लगती है, इसका ये सिस्टम करो, इसमें ऐसा लगाओ, कुछ समझ में आया, मतलब ऐसे अलग अलग जगह होती है ना, तो तेरी बुद्धि इसमें तो बहुत लगती है कि अपनी फोटो को ऐसे एडिट करो, इस वाले एडिटर से करो, इससे ब्लर करो, इससे जूम करो, इससे यहाँ एक चश्मा लगा दो, पीछे कार खड़ी कर दो। अगर देखो अगर तू मंद बुद्धि होता तो हम तुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन तेरी बुद्धि कहीं नहीं लगती हो तो ठीक, लेकिन तू तो धर्म से बचना चाहता है या धर्म समझने से बचना चाहते हैं, सो तू तो पापी है। देखो मैं नहीं कह रहा, टोडामल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो पढ़ो, तू पाप कार्य में तो प्रवीण है, मतलब फर्स्ट डिवीजन, कौन सा कार्यक्रम हो रहा है आज, कौन सा नाटक हो रहा है, कौन सा नाटक देखने लायक है, किसकी फ्री टिकट है, किसमें 100 रुपए देने पड़ेंगे, इसमें तो तेरी बहुत बुद्धि चलती है। देखो अब सब में लगा लेना, तू पाप कार्य में तो प्रवीण है और इस अभ्यास में कहता है मेरी बुद्धि नहीं है। आगे क्या लिखा आप लोग एक साथ पढ़ सकते हो, आगे क्या लिखा है, सो यह तो पापी का लक्षण है। देखो यहां टोडामल जी ये कहना चाह रहे हैं अगर तेरी सचमुच बुद्धि नहीं हो तो ठीक है, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि तेरी और जगह तो बुद्धि बहुत चलती है। अब देखो हर आप लोग भी लगाना ना, सबकी अलग अलग क्षेत्र में कितनी बुद्धि चलती है, चलती है कि नहीं चलती है, और धर्म के क्षेत्र में हमारी बुद्धि नहीं है, तुम्हें सचमुच में याद नहीं होता, सचमुच में याद नहीं होता। आप लोग भी आप लोगों से हमें कभी कई बार लगता होगा कि हमें याद नहीं होता, आराम से सोचो सचमुच याद नहीं होता, बोलो। अगर आप में से किसी को भी लगता हो ना कि मेरी बुद्धि कम है और मुझे याद नहीं होता, एक बार आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपको ये ही याद नहीं होता कि कुछ भी याद नहीं होता, बस समझ साहब हम कंठपाठ नहीं कर पाएंगे, क्यों हमें पैसे थोड़ी ना चाहिए, या तो आप ये उदाहरण दे सकते हो या हमारी बुद्धि बहुत कम है, ऐसे कुतर्क कर सकते हो। तो इन पक्षपात इसका जो पक्षपात है वो हमसे मिल लेना, अभी इधर इधर पढ़ लो इसको, देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ के आगे बढ़ता हूं, तू पाप कार्य में तो प्रवीण है और इस अभ्यास में कहता है मेरी बुद्धि नहीं है। देखो तू आप कभी देखो जाके कैसे हमें 100 रुपए की चीज 50 रुपए में खरीदनी है, ऐसे बहुत जैसे किसी ने मेरे से बोला कि ये 100 रुपए की है और मैं 100 रुपए दे के आ गया, है डपोलू उल्लू ही बने रहोगे, देखो हम स्मार्ट, हम उस दुकान पे गए और हमने कहा ए भैया दे दो, हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो ये हैं, अरे हमसे पिछली वाली दुकान वाला इतनी की दे रहा है, तुम इतनी की दे रहे हो, और हम मान लो कि बाय चांस 80 रुपए की लेके आ गए, 20 रुपए ठग गया है, तो मतलब इसका मतलब समझो कषायों में तो कितनी बुद्धि चलती है। एक फोन खरीदना होता है आप लोगों को, नहीं चलती आपकी बुद्धि, कौन कौन से फोन है उस रेंज में, कितने कौन कौन सी कंपनी के कौन सा फोन है, किसके क्या फीचर है, कंपैरिजन ये वो, पूरा कंपैरिजन इंटरनेट पे सर्च, ये सर्च वो सर्च, इतने हजार में तो वो बढ़िया मिल जाएगा, तुमने तो सोचो तो आप, हमारी जब अन्य क्षेत्र में इतनी बुद्धि चलती है और धर्म क्षेत्र में बंद, तो ये तो पापी का लक्षण है। आप क्या कहें, समझाने के लिए इतना ही काफी है, बाकी अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार द्रव्यानियों के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया, ठीक है। अब आगे जो है वो शब्द शास्त्र आदि के पक्षपाती का स्वरूप है, वो कहता है कि क्या आप लोग लगे हो ये गुड़स्तान उड़स्तान ये सब, इसको छोड़ के संस्कृत की क्लास चलती है वहां बैठने दो ना हमें,
उधर हम समझेंगे कि राम का पिता दशरथ, दशरथ का पिता राम है, ये उसका पुत्र है, ये उसकी पुत्री है। हमें संस्कृत पढ़ने दो, शब्द पढ़ने दो, शास्त्र पढ़ने दो, अलंकार पढ़ने दो, काव्य पढ़ने दो, क्या ये गुरुस्थान की कक्षा लेके बैठ जाते हो? हटाओ, बंद करो, हम स्ट्राइक करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो अब शब्द शास्त्र आदि का पक्षपाती क्या कहता है और टोडोमल जी उसका क्या निराकरण करते हैं, ये बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। खड़े होके जोर से बोलो, पेन।